जय विकेती देसी गाय पालन चैनल में आपका स्वागत। आज हमने ये जनवरी के महीने में जो हमारी हल्दी हुई है उसको स्टोर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने इसको रख दिया, निकाल लिया और अब इसको बीज के रूप में स्टोर करने के लिए हमने एक पेड़ के नीचे इसको 1 फुट गहरा ये खड्डा हमने खोदा है और उसके अंदर हम इस प्रकार से इसको हम स्टोर करके रख रहे हैं। आप अगर स्टोर करने का काम करना चाहते हो तो वो आप जनवरी फरवरी के महीने में कीजिए और फिर जुलाई के महीने जून जुलाई के महीने में इसको लगा दीजिए। अभी आप इस प्रकार से इसको एक लेयर बनाकर रख सकते हैं और जिस जगह आप रख रहे हो उस जगह नमी ना होनी चाहिए। मतलब तो हमने ये एक पर्टिकुलर ऐसी जगह काम में लिए जहाँ पानी न के बराबर आता है, मतलब यहाँ पानी। तो इस प्रकार से हमने एक एक के ऊपर एक करीब ये 5 किलो के आसपास हमने ये बीज के लिए रखी है हमने। तो इस प्रकार से हम इसको रख रहे हैं। और ये आप कम से कम 5 से 6 महीने तक आराम से इसमें ये सुरक्षित रह जाएगी। जब जून जून का महीना आएगा और जब बिजली जब बरसात का सीजन शुरू हो जाएगा तब इसको निकाल कर फिर हम बेड के ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे। और हमने इसके ऊपर हल्की सी राख डाली है ताकि इसमें नमी ना आए और जो हमारी जो गीली मिट्टी थी जो गीली थी उसको बिल्कुल सुखा के आप इसको स्टोर करने से पहले कम से कम 8-10 दिन पहले सुखाना पड़ेगा ताकि इसमें नमी ना रहे। नमी रहेगी तो ख़राब हो जाएगी। और हमने ये सुखा दिया। आप देख सकते हैं ये जो मिट्टी है बिल्कुल सूखी है। तो इस प्रकार से हमने इसको इसमें रख दिया। अब इसके ऊपर हम बिल्कुल सूखी मिट्टी डालेंगे एक लेयर के रूप में। आप देख सकते हैं ये हमने राख ली है और तो एक लेयर हम इसके ऊपर राख बिल्कुल सूखी है उसकी बना रहे ताकि इसमें फंगीसाइड ना लगे और ये लंबे समय तक स्टोर हो सके। तो हमने जो कंडे की राख है वो इसमें डाल दी है हल्की मात्रा में और अब इसके ऊपर एक सूखी मिट्टी डालेंगे बिल्कुल सूखी। अब हम इसके ऊपर सूखी मिट्टी की एक लेयर बनाएंगे और इसके बाद में अब हम इसको मिट्टी से करीब 3-3 या 4-4 इंच की एक लेयर बना देंगे ऊपर की तरफ। और इस प्रकार से हम इसको लेयर बना देंगे। ये जो हम बना रहे हैं ये जो हमारे पास है वो दोमट बलुआ मिट्टी है। तो इसमें इस प्रकार से हम ये लेयर बना रहे हैं और अब इसको हम 4 महीने तक सुरक्षित स्टोर कर दिया है। आप एक तरह से मानिए स्टोर करने का काम कर दिया है इसको। अब इसके ऊपर हल्के हाथों से बिल्कुल इसको दबा देंगे ताकि इसमें नमी ना रहे। अब इस प्रकार से इसको हल्का हल्का अपनी जो उपकरण है उससे इसको दबा देंगे। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी जानकारी आपको बढ़िया लगी हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे को दबाएं। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।